अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज हम देखेंगे कि एक्सेल की शीट में एरर कैसे चेक करते हैं और जो हमारे एक्सेल की पूरी शीट में जो फार्मूले लगे हुए हैं वो कैसे देखेंगे, और डाटा जो है हमारे पास जो एक कॉलम है उसको स्प्लिट करके नेक्स्ट कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग हासिल कर सकें। डियर व्यूवर्स, ये हमारे पास कुछ डाटा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एरर चेक करूँगा। हमारे पास फार्मूला टैब में फार्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में एरर चेकिंग के नाम से है। जब हमारे शीट में डाटा ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, इससे इस तरह एरर चेकिंग करते हैं ताकि आसानी से हम लोग एरर को चेक कर सकें किस सेल में एरर आ रहा है। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा डाटा पुट किया हुआ है ताकि आप आसानी से देख सकें। अब हमारे पास जो एरर चेकिंग का ऑप्शन है, इसमें जो है एरर इन सेल D6, ये बता रहा है कि सेल का एड्रेस ये है, इसमें एरर आ रहा है और उसको इसने सेलेक्ट भी कर लिया, इसका ग्रीन बॉर्डर जो है वो नज़र आ रहा है। और इसमें क्या फार्मूला लगा हुआ है, इसमें ये भी बता रहा है कि B6 यानी फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू पे हमने डिवाइड किया है। ये एरर आया क्यों है कि फर्स्ट वैल्यू को हमने जब सेकेंड वैल्यू पर डिवाइड किया जबकि इधर कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी सेल है, तो ये एरर आता है। इसी तरह अगला ऑप्शन है हमारे पास शो कैलकुलेशन स्टेप, इसको क्लिक कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास ये शो करा रहा है कि 250 को हम जीरो पे डिवाइड कर रहे हैं, जबकि एवल्यूट करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे पास ये एरर दे रहा है। इसकी जो एवल्यूएशन है वो एरर की सूरत में हो रही है। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ, इग्नोर एरर। इसको इग्नोर भी कर सकते हैं हम, एडिट इन फार्मूला बार, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं ताकि आसानी से हम इसको ठीक कर सकें। इसी तरह हम एरर चेक कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है कि हम इसके पूरी शीट के जो फार्मूले हैं वो कैसे देखेंगे। डियर व्यूवर्स, एक और बात बताता चलूं कि मैं जो भी की प्रेस करूंगा वो ये देखें इधर शो होगी। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं तो ये देखें ये इसमें शो करा रहा है, आप इस पर गौर से देखते जाइएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस शीट में मौजूद जितने भी फार्मूले लगे हुए मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे देखेंगे। हमारे पास इसी फार्मूला टैब में फार्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में जाकर हम क्या करेंगे, शो फार्मूला को क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला शो करा देगा। ये देखें हम फार्मूला दिखाई दे रहे हैं कि हमने क्या अप्लाई किया था, B3 यानी फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू पर डिवाइड किया था, ये फार्मूला लगाया हुआ है हमने। पूरी शीट के जहाँ जहाँ फार्मूले लगे होंगे वो ये शो कराएगा। इसकी शॉर्ट की क्या है जी हमारे पास, ये देखें इस पर ले जाएँ तो ये हमारे पास कंट्रोल अपॉस्टी है इसकी शॉर्ट की, ये दिखाई दे रही है। हम दोबारा इस की को प्रेस करते हैं कंट्रोल अपॉस्टी, अब ये क्या हो जाएगा, फार्मूले हाइड हो जाएंगे। अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो वो ये शो करा देगा कंट्रोल अपॉस्टी। अब मैं क्या करता हूँ कि अगला हमारा ऑप्शन है वो कैसे देखेंगे कि भाई ये हमारे पास डाटा है, इसको मैंने सेपरेट किया हुआ कॉमा से। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अली है और इकराम है वो दो सेपरेट कॉलम में आ जाए, इसी तरह ये सारे नीचे वाले नाम सारे इसी तरह हों कि सेपरेट कॉलम में आ जाएँ। तो मैं क्या करूँगा, इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा और डाटा ग्रुप में जाकर हमारे पास डाटा टूल्स हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। अभी हमने पहले पे काम करना है डिलिमिटेड को, हमने चेक करना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद हमारे पास ये डिलिमिटर्स पूछेगा, हमने जो इस्तेमाल किया कॉमा ये डिलिमिटर्स कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से डिलिमिटर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टैब है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है, अदर्स में जाकर हम कोई भी सैम्बल यूज़ किया हो तो हम इधर सैम्बल बता सकते हैं। अभी मैंने कॉमा यूज़ किया तो मैं कॉमा को चेक करूंगा, ये देखें ये सेपरेट कर रहा है नीचे डाटा प्रीव्यू में। इसको नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं, ये देखें ऑटोमेटिकली जो है इकराम हमारे पास सेपरेट कॉलम में चला गया, इकराम वाला कॉलम, ये सारा डाटा जो है हमारे पास सेपरेट कॉलम में चला गया। अब इसी तरह अगला देखते हैं, हमारे पास जो अगली वैल्यू है वो डेट की है। मैं चाहता हूँ कि इस डेट में से ईयर्स को सेपरेट करूँ, तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा और मैं इसमें फिक्स विड्थ को सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अब इधर प्रीव्यू डाटा प्रीव्यू में जाकर मैंने कहीं पर भी जाकर क्लिक कर देना है। अब मैं इस ये जो मेरे पास सॉरी वर्टिकल लाइन आई है इसको मैं आगे मूव भी कर सकता हूं, यहां से इधर जहां पर ले जाना चाहता हूं। मुझे एयर को सिलेक्ट करना है यानी एयर को सेपरेट करना है, नेक्स्ट कॉलम में लाना चाह रहा हूँ तो मैं एयर तक ले जाऊँगा इसको और नेक्स्ट करूँगा और फिनिश करूँगा। ये देखें ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास एयर जो है वो सेपरेट हो गया। डियर व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके।